अयोध्या में श्री तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस महाराज से हमारे सहयोगी ने दीप उत्सव की तैयारियों और उसके महत्व को लेकर खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ मौजूद है जगत गुरु आचार्य। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आज क्या क्या आयोजन दीपोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया और कैसा रहा ये आयोजन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का जो दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है धीरे धीरे रूप ले रहा है। दीपोत्सव की शुरुआत ही अयोध्या से हुई है। जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था तो 14 वर्ष तक अयोध्यावासी कोई उत्सव महोत्सव त्यौहार नहीं मनाए थे। जैसे ही लंका विजय करके प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो सारे अयोध्यावासियों ने जो है तो खुशी में दीप जलाए। तब से वह दीप महोत्सव के रूप में आज तक अनवरत चलता आ रहा है। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि दीप महोत्सव में अयोध्या की दिवाली में प्रधानमंत्री सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र हित में बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं और हम लोगों की जो संकल्पना रही है कि मोदी और योगी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बने, भारत में पुनः राम राज्य देखा जाए, तो वह इस दीप महोत्सव में सार्थक होने जा रहा है। उसको लेकर के तरह तरह से अनुष्ठान पूजा पाठ किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि खुद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज केदारनाथ पहुंचे हैं, वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं कि हमारा भारत फिर से विश्वगुरु बने, फिर से जो है राम राज की स्थापना हो, फिर से भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराए। तो उसको लेकर के आज चूंकि अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है तो साधु संतों के द्वारा वेदों के चारों वेदों की ऋचाओं को पढ़ करके, वेद मंत्रों को पढ़ करके आहुतियां दी गई और राम राज्य स्थापना महायज्ञ संपन्न किया गया।